इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में जब इंग्लिश टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, तब रोहित शर्मा ने शतक ठोककर इंग्लैंड की जीत के मंसूबों पर पानी फेर दिया। लेकिन मैच के चौथे दिन ऋषभ पंत ने पारी के 123वें ओवर में ऐसा कारनामा करके दिखाया जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि टीम इंडिया ने पहली पारी में 191 रन तो इंग्लैंड टीम ने पहली पारी में 290 रन बनाए। इंग्लिश टीम ने 100 रन की बढ़त हासिल की और जब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम तो रोहित शर्मा और केएल राहुल तो सोच कर आए थे कि इंग्लैंड की गेंदबाजों को मजा चखाना है। हालांकि टीम के 83 रन के स्कोर पर केएल राहुल 46 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने शतक लगाकर ये साबित कर दिया कि उन्हें ऐसे ही हिटमैन नहीं कहा जाता। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा ने 61 रन, कप्तान कोहली ने 44 रन, लेकिन ऋषभ पंत मैदान में उतरते ही अपने तूफानी अंदाज में दिखे। बात है मैच के 123वें ओवर की। गेंदबाजी पर थे मोइन अली। मोइन अली ने जैसे ही गेंद डाली, ऋषभ पंत ने आगे बढ़कर ऐसा झन्नाटेदार चौका लगाया कि सब देखते रह गए। वो यहीं कहां रुकने वाले थे। उन्होंने अगला ओवर फेंक रहे क्रिस वॉक्स के ओवर में भी शानदार चौका लगा दिया। जिसने भी ऋषभ पंत का चौका देखा वो देखता रह गया और गेंदबाज तो पंत का आक्रामक रूप देखकर हैरान ही रह गए। फिलहाल देखना होगा कि ऋषभ पंत अपनी इस आक्रामक और तूफानी पारी को कितने आगे तक ले जाते हैं, क्योंकि अगर वो टिक गए तो इंग्लिश टीम उनके सामने धूल चाटती नजर आएगी। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।